अल्लाम आलैक्म वरम्तु ला वरक़ उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे आज हम इनशाल्ल पारा सेकुल सूरतुलबारा सफा नंबर तैंतीस आयत नंबर एक सौ चौवन पढ़ते हैं पहले हम क़िल पढ़ते हैं फिर उसके बाद इजरा कवा से पढ़ेंगे सबक शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है आपसे आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें और स्वाब की नीयत से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपसे ये भी गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करें और जब भी मेरी वीडियो प्ले करें सबसे पहले लाइक किया करें ताकि हमें पता चले कि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं चलिए सबक आगाज़ ताउस और डस्मिया की तिलावत से करते हैं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله يمضى. "ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولا كلا تشعرون". ايش رايك بهي पढ़ते हैं वाव के ऊपर ज़बर है बगैर खींचे पड़ेंगे वाऊ को अदा करते वक्त होंठों को मुकम्मल गोल करेंगे वाह वाह लाम के ऊपर जबर है आगे अलिफ खाली है ये अलिफ मद्दा है एक अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ेंगे ला वला ता के ऊपर ज़बर है बगैर खींचे पड़ेंगे ता कौफ के ऊपर पेश है आगे वाउ साकिन है ये वह मद्दा है एक अलिफ की मकदार खींचकर पड़ेंगे कौफ रूफे इस तारा के सात हरूफों में से आ रहा है तो मोटा अदा करेंगे कू वाता कू लाब के ऊपर पेश है आगे वाउ साकिन है ये मद्दा है एक अलिफ की खींच कर पढ़ेंगे लू मिलाकर पढ़ते हैं तुल्लू लाम के नीचे जेर है बगैर खींचे पड़ेंगे ली ज़ेर को मझोल होने से बचाएँगे ले ले नहीं पड़ेंगे ली पड़ेंगे मीम के ऊपर ज़बर है आगे नून साकिन है नून साकििन के बाद या मुश्द हालत में आ रहा है तो यहाँ पर ईदगा नाकिस होगा नून को या के साथ म करेंगे ईदगाम करेंगे यानी इनको ज्वाइन करेंगे लेकिन ईदगाम नाकिस होगा कैसे होगा ईदगाम करते वक्त जब पहले वाले हर्फ की सिफत बाकी रहे तो उसे ईदगाम नाकिस कहते हैं कैसे मई देखिए नून की सिफत बाकी है ली लिमाई इसकायदे का नाम क्या है ईदगाम नाकिस लिमाई या के ऊपर पेशे आगे कौफ साकिन है या को कौफ से मिलाएंगे काफ़ रूफ़े इस ताला में से है मोटा अदा होगा और रूफ़े कलकला में से भी है क्योंकि साकिन हालत में आ रहा है तो इसमें कलकला होगा जुम्बश होगी यानी कौफ की डबल साउंड आएगी जैसे युक युक ली युक ता के ऊपर ज़बर लाम के ऊपर पेश दोनों को बगैर खींचे पड़ेंगे ज़बर ज़ेर पेश को पढ़ते वक्त तीन बातों का ख्याल रखते हैं एक तो इसे खींचते नहीं जैसे ता दूसरा झटका नहीं देते जैसे ता तीसरा मजहूल नहीं पढ़ते, जैसे ते इसे मारूफ मुतवास तरीके से पढ़ते हैं बग़ैर खींचे पड़ेंगे जैसे तालू ली मालु लिमाकु फाकिन के नीचे जेर है आगे या साकिन है ये या मद्दा है एक अलफ की मकदार खींच कर पढ़ेंगे फ़ी सीन के ऊपर ज़बर है बग़ैर खींचे पढ़ेंगे सा सीन सख्ती और सीटी वाला हरूफ है इसे सख्ती और सीटी से अदा करेंगे सा बाकी नीचे जेर है आगे या साकििन है ये या मद्दा है एक लिख की मकदार खेच कर पड़ेंगे बी लाम के नीचे जेर है आगे अल्लाह का लाम है लाम को अल्लाह के लाम के साथ मिलाएंगे जेर की वजह से अल्लाह का लाम जो है बारीक पढ़ा जाएगा जैसे लिल लिल ऊपर देखिए खड़ा जबर है लाम के नीचे ज़ेर है आगे अल्लाह का लाम है जेर की वजह से अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ेंगे लाम को लाम के साथ मिलाते हैं लिल फी सबी लिल लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है खड़ा ज़बर एक अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ेंगे खड़ा ज़बर खड़ी जेर उल्टा पेश रूफ़ मद्दा के कायम मकाम होते हैं इनके रवा में कोई फर्क नहीं होता इनके लिखने और जोड़ करने में फ़र्क होता है जैसे ला हा के नीचे जेर है बगैर खेचे पड़ेंगे हा को सीने से अदा करेंगे ही फी सबी लिला ही फी सबी लिला ही देखिए जेर की वजह से हमने अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ा हमजा के ऊपर जबर है आगे मीम साकिन है हमजा को मीम से मिलाएंगे चजम वाला हर्फ हमेशा एक मरतबा पढ़ा जाता है अपने से पिछले हर्फ से मिलकर चजम वाले हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है लेकिन आगे हरूफ कलकला के हरूफ में से कोई हर्फ ना हो जैसे अम अम वाओ के ऊपर जबर है आगे लिफ खाली है ये लिफ मद्दा है एक लिफ की मकदार खेच कर पढ़ेंगे वाऊ को अदा करते वक्त होंटों को मुकम्मल गोल करेंगे के ऊपर दो पेश की तनवीन है तनवीन में गुना करते हैं तन अमवा आगे देखिए कौ कीमत आ गई इसे वक्फे मुतलक कहते हैं यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे रुकेंगे वफ करेंगे फी सबी अमवा देखिए वक्फ़ की हालत में ताकि दो पेश ख़त्म हो गए ता साकिन हो गई वक्फ़ क्या हुआ बिल अस्कान अलिफ मद्दा के बाद यानी अलिफ मद्दा व मद्दा या मद्दा के बाद जब आरजी सुकून आ जाए तो वहाँ मद बनती है मद आरजी सुकून इस मद को दो ढाई पाँच अरिफ़ की मकदार तक खींच कर पढ़ सकते हैं जैसे अम इस तरह से अमुआत बाकी ऊपर जबर है आगे लाम साकिन है बाको लाम से मिलाएंगे जैसे बल हमजा के ऊपर जबर है आगे ह साकिन है हमजा को हा से मिलाएंगे हा को हलक के दरम्यान से अदा करेंगे अह बल आह के ऊपर जबर है आगे अलिफ खाली है ये अलिफ मद्दा है ऊपर देखिए बड़ी मद आ रही है बड़ी मद की निशानी क्या है कलमा एक हो रूफे मद्दा के बाद उसी कलमे में हमजा हो वहाँ मद बनेगी मद मुतसिल वाजिब इस मद को चार या पांच अलिफ की मकदार तक खेच कर पढ़ सकते हैं मिलाकर पढ़ते हैं बल आहया हमजा के ऊपर दो पेश की तनवीन है आगे वाओ मुशद्दत है बलून के बदमु में से वह मुशद आ रहा है तो यहाँ पर ईदगाम माल उना होगा जैसे उम ईदगाम के मैंने मिला देना यानी मुदगम कर देना सागिन हर्फ को हर्फ के साथ मिला देना ईदगाम कहलाता है यानी ज्वाइन करना दो हर्फों को आहिया ओम के ऊपर जबर बग़ैर खेचे पड़ेंगे वाह लाम के ऊपर खड़ा जबर एक की मकदार खेच कर पड़ेंगे वाला। काफ के नीचे जेर है आगे नून साकिन है नून साकिन के बाद ज़रमलून के बजुए में से लाम मुश्... मुशद हालत में आ रहा है तो यहाँ पर ईदगाम बिलागुना होगा नून को लाम में मुदगम करेंगे ईदगाम करेंगे लेकिन बग़ैर गुने के यानि इदगाम बिला गुना यहाँ पर क्या हुआ ईदगाम माल गना यहाँ पर क्या हुआ ईदगाम बिला गुना यहाँ पर क्या हुआ ईदगाम नाकिस क्योंकि पहले वाले हर्फ की सिफत बाकी है यहाँ पर ईदगाम नाकस हुआ यहाँ पर ईदगाम माल हुआ यहाँ पर इदगाम बिला गना हुआ कैसे काफ को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे जैसे किल आह वाला किल नून जो है लाम में मुदगम हो जाएगी ईदगाम होगा लेकिन ईदगाम बिला गना होगा गना नहीं होगा ईदगाम होगा लाम के ऊपर जबर है आगे अलिफ खाली है ये अलिफ मद्दा है एक अलिफ की मकदार खींच कर पड़ेंगे لا आह ولا कि यहाँ पर इदगाम बिलागुना हुआ ताके ऊपर जबर है आगे शीन साकिन है ताको शीन से मिलाएंगे शीन की आवाज़ फैलती हुई महसूस होती है जैसे तश आइन के ऊपर पेश है बगैर खेंचे पड़ेंगे आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे रॉक के ऊपर पेश है आगे साकिन है ये वो मद्दा है एक तरफ की मकदार खेच कर पड़ेंगे रॉक को मोटा पड़ेंगे रू के ऊपर जबर बगैर खेचे पड़ेंगे ना मिलाकर पढ़ते हैं बल आहया तशुरून देखिए आगे गोल सर्कल आ गया इसे आयत कहते हैं इसे वफ़ ताम भी कहा जाता है तो यहाँ पर हमने वफ़ किया वफ़ की हालत में नून का ज़बर ख़त्म हो गया नून साकिन हो गई नून को हमने आरजी सुकून दिया रूफ़ मद रूफ़ मद्दा यानी अलफ मदा मद्दा या मद्दा के बाद जब आरजी सुकून आ जाए तो वहाँ मद बनती है मद आरजी सुकून इस मद को दो से ढाई पाँच अलिफ की मकदार तक खींच कर पढ़ सकते हैं उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे रबता कर सकते हैं में याद रखना अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा असलकमल वर्क